गेहूं की रोटी बंद करने का बोला है ये इसको सही कर। Hey, what's up guys? मैं रणवीर और मैं निशा। तो गाइस वेलकम वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। जिम पे आ चुके हैं सीधा एंड हम वापस हाफ एन आवर लेट है। 12 बजे का टाइम सेट होने के बावजूद चलते जिम में, कुछ सुनना मिलेगा शायद से। चल दे। लेट होने के बावजूद देखो अभी भी टाइम पास और टाइम वेस्ट कर रही है। सर ने हमको बोला कि अभी तो ठीक है, थोड़ा सा अगर 12 बजे का टाइम दिया इसमें लगी नहीं, 12 बजे ही आओ, 10 मिनट जल्दी आया करो। अभी मैं ट्रेडमिल कर रहा हूँ, अंकिता अपना वर्कआउट के लिए गई है। ओके सो वर्कआउट डन है आज। सीरियसली मैं बहुत ज्यादा मजा आया वर्कआउट करने में। मेरा तो आज इतना ज्यादा हुआ ना। मेरा भी, मैंने कार्डियो काफी किया। हां जी, मैंने काफी कार्डियो किया। और चलो अभी हम जाते हैं पार्किंग में, फिर जाते हैं घर। आज गंदी वाला डाइट भी को किया। अरे अभी हिरन के लिए ज्यादा हार्ड रहेगा, मैं तो अभी भी कल लूंगी, बट हिरन के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा हार्ड रहने वाला है। मेरे लिए डाइट बहुत हार्ड रहने वाला, बाकी तो ठीक है। मतलब भाई हिरन को खाना इतना पसंद है, गेहूं की रोटी बंद करने का बोला है। नहीं, उन्होंने बोला तो दो खाना। गेहूं की नहीं बोला, बोला गेहूं नहीं, किसी और की खाओ। गेहूं की नहीं, गेहूं खाना तो भी दो रोटी खाना बोला। सिर्फ एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी चावल, एक कटोरी दाल। यार इतना तो मैं नाश्ते में भी नहीं खाता। तो क्योंकि मुझे गेहूं कम करने का बोला है तो हम आए हैं डाउन टाउन। मैं दिखाता हूँ क्या आप अल्टरनेटिव यूज कर सकते हो जो आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आपने घर के आटे में मिक्स करो उसको, तो मुझे भी नहीं पता था, अंकिता ने लिया था, मैंने देखा था। तो बहुत पहले पीसी जो मेरा आई मैक स्क्रीन क्रैक हो गया था, बॉडी बेंड हो गई थी जो उल्फी ने गिराया था, तो यहाँ पे हमने आज ही नोटिस किया। अरे पर एक फ्लोर है नीचे यार, आज मेरे को जबरदस्त ले एक फ्लोर के लिए लिफ्ट मांग रही है। यहाँ पे एक्चुअली नया हमने देखा कि एप्पल का सर्विस स्टेशन हमारे घर के थोड़ा सा पास में खुला हुआ है, तो वहाँ पे जाके इंक्वायरी किया। 91,000 बोला रिपेयरिंग कॉस्ट। तो कंफ्यूजन ये है कि 91,000 में स्क्रीन और कवर चेंज करने में लगाऊं या मैं वेट करूं कि एक नया आई मैक प्रो जो नया सिलिकॉन अंडर द एप्पल सिलिकॉन में लॉन्च होने वाला है उसका वेट करके थोड़ा पैसा खर्च करके उसी में डाल दूँ। अभी तक सोचा नहीं, पर ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। आई थिंक वो ज़्यादा वर्थ है, लाख रुपए इसमें डालने से बेटर है तो लो कॉन्फ़िगरेशन वाला आई मैक नया आ जाता उतने में। आई नो लो कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने बोला, वो मुझे ध्यान है, लेकिन इमेजिन करो मैं लाख रुपए इसमें डालू, इससे अच्छा मैं 1.5-2 लाख का टोटल मिला के एक नया पीसी ले सकते हो पूरा का पूरा। अब मेरा पीसी अभी वर्किंग है, सिर्फ स्क्रीन क्रैक हो गया। तो फाइनली वहाँ पे डाउनटाउन में जो मुझे ब्रांड का चाहिए था वो नहीं मिला। अंकिता बोली ये वाला ले ले, मैंने उसको डिफरेंस बताया अंकिता को कि इसमें कितना डिफरेंस है प्रोटीन फाइबर वगैरह का और इसमें कितना डिफरेंस है। तब अंकिता मानी, इस बार मैं सही था वैसे। तो यहाँ पे हम एक्शन में आए, वहाँ पर मिल जाएगा, मिल गया ना अंकिता। गाइस अगर आप लोग भी अगर अपने व्हीट में मतलब आपके घर के आटे में ओट्स ये वाला अगर मिक्स करोगे तो देखो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, इससे हाई इन प्रोटीन हाई इन फाइबर हेल्प्स मैनेज वेट, इट इज़ वेरी गुड। इतनी सारी चीज़ें बन सकती है। तो एक्चुअली जब मैं जिम चालू किया उससे पहले ही मैंने मॉम को भी बोल दिया था और अंकिता को बोला था कि सबके लिए घर में ये चालू करना चाहिए। अब घर में सब लोग ये चालू करेंगे कि नहीं पता नहीं, पर मैं चालू कर रहा हूँ इसको। तो अंकिता के आज लग चुकी है व्हाट, क्योंकि अंकिता का इतना वर्कआउट हुआ उसका। एक्चुअली उसका पर्सनल पीटी सेशन आज था, मेरा नहीं था, मैंने कार्डियो वार्डियो मारा और अंकिता की लग चुकी है बैंड। एंड हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए। एक्चुअली दोपहर को अंकिता थोड़ा आराम किया, मैंने एडिटिंग किया ब्लॉग का और अपलोड करने रख दिया। एंड अभी जा रहे हैं मूवी के लिए जो कि है धाकड़, क्योंकि अंकिता भी ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है अंकी, धाकड़। लेट हो चुके हैं बट जा रहे हैं। और आपको कोई नई बात है यार, इन लोग को भी पता है कि सर नीचे कमेंट में कर देंगे हमने बोलने से वाला, सर आज आप लेट है ना 10-15 मिनट ऐसा। फिलहाल तो 2 मिनट लेट है बट पहुंचते पहुंचते 10-15 मिनट लेट हो जाएगा। पर एक चीज है, हमने कभी मूवी मिस नहीं की, हम छोड़ पहुंचते तक मूवी चालू हुई नहीं होती जनरली। मैं ऐसा इसलिए क्योंकि रॉन्ग साइड में एक बंदा आके मेरे मुंह पे आके खड़ा हो गया था और ऊपर से ऐसे देख रहा था, साला पिगलेट नहीं पिगलेट मेरा वर्ड है। एनीवेज चलो फटाफट पहुंचते हैं एंड आपको बताते भी रहेंगे कि मूवी हमको कैसी लगी। ए मरेली गो, मरेली गो क्या होता है? गो मरी हुई, ऐसा बिहेव कर रही है तू, पढ़े लिए बी एक्टिव। यू आर एंकी मिश्रा, ये इसको सही कर, सही कर, सही कर। अंकिता वहाँ पे पेमेंट वेमेंट सब कर दिया, ऑर्डर कर दिया और बॉटल वहीं पे रख के आ गई। पता नहीं रहने लगा, कॉफी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ना अपनी गलती, क्या भूल गई थी।
इंटरवल हो चुका है और सच अब तक बताऊं तो मुझे एक्टिंग वेरी सून, देखो देविया दत्ता अर्जुन रामपाल से लेकर हर एक एक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी है। आप सोचोगे मूवी देखने लायक है कि नहीं, वो तो मूवी के एंड में बताएंगे, पर अब तक अगर बोला जाए तो मूवी का डायरेक्शन और एक्शन सीक्वेंस इतने भी वाव नहीं है जो मूवी में ट्रेलर में लगेगा। एक्शन बहुत अच्छा है पर प्रॉब्लम डायरेक्शन और एडिटर का है। अरे वही वहाँ देखने में तो इतनी मजा नहीं आती जितना ट्रेलर में आई थी, क्योंकि सब लोग एक्टर ने बहुत मेहनत की एक्शन में। इन शॉर्ट अब तक इंटरवल तक का मैं रिव्यू दे रहा हूँ कि आप घर पे देख सकते हो, थिएटर में पैसे डालने की मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जरूरत है। क्या लग रहा है देखो, थिएटर एक्सपीरियंस मूवी तो नहीं है अंकिता प्लीज। अभी एग्जैक्टली हम आपको बाद में बताएंगे। अंकिता हमेशा है ना जान बुझ के ना ऐसा बोलती है जैसे पता नहीं सच नहीं बोलती है। आप कुछ भी सच बोल रहा हूँ कि ये सच नहीं बोलती है। मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मूवी खत्म हो चुकी है एंड सबसे पहले पॉजिटिव चीजें बता देता हूँ, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग, दिव्या दत्ता की एक्टिंग, अर्जुन रामपाल, कंगना, बाकी सारे कैरेक्टर जितने कैरेक्टर सबकी एक्टिंग अच्छी है और एक्शन भी अच्छा किया है। पर मेरे को सिर्फ एक ही चीज एक्शन अच्छा किया गया है, ठीक है, डायरेक्शन खराब किया गया है जिसकी वजह से एक्शन मतलब वही हुआ ना, एक साइड में बहुत हवा आ रही है। बहुत ही पुरानी टिपिकल बॉलीवुड मूवी ना, सस्ती बजट वाली, वैसी स्क्रिप्ट कर दी है पूरी की पूरी। स्टार्टिंग में वो ट्रेलर में ऐसा लगता था कुछ टोटली, मैं बहुत एक्साइटेड था कि ये मूवी तो देखनी है एंड इसीलिए हम लोग बुलबुला की जगह, हाँ बुलबुला की जगह ये देखने आ गए। घुमा घुमा के बात तो हो गई, अब पॉइंट पे आते हैं, ये मूवी आपको थिएटर में देखनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आपको थिएटर में मूवी नहीं देखनी चाहिए, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ ये मैं बोलूँगा, घर पे भी अगर आपके पास फ्री टाइम पड़ा है, आपको ऐसा अगर नहीं यार धाकर देख ही लेनी है तो देखना, बाकी मेरे ख्याल से घर में भी देखने लायक कोई ऐसी सुपर एक्साइटिंग नहीं है। हाँ अगर आपको एक्टिंग देखनी है दिव्या दत्ता अर्जुन रामपाल और सबकी कैरेक्टर्स की, स्पेशली दिव्या दत्ता एंड अर्जुन रामपाल, तो ये मूवी देखना वर्थ है सिर्फ उनकी एक्टिंग के लिए, बाकी मूवी में कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी कुछ नहीं है। मूवी तो खत्म हो गई, आगे का ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं, आपके पैसे हमने बचा लिया, अगर आप फिर भी देखना चाहते हो तो। अरे हाँ गाइस एक और पॉइंट बताना भूल गया मैं, इस मूवी को अगर फैमिली के साथ देखने जाने वाले हो ना तो बच जाना प्लीज़, क्योंकि इसके अंदर बिना फालतू के अननीडेड हॉट सीन और चीप तरीके से डायरेक्ट किए हुए हॉट सीन बहुत ज़्यादा है और नॉट वर्थ इट था, मतलब वो सूर्य के जा भी नहीं रहे थे सीन उस टाइप। पर हाँ अंकिता ने ना मुझे ऐसे पोक कर करके बार बार बोलने के लिए बोला है, और ये सच भी है, मजाक में झूठ भी नहीं है, कि कंगना की मेहनत इसमें बहुत अच्छी, एक्चुअली सारे ही एक्टर्स की मेहनत गलत मूवी में निकल गई है, यही रोल्स यही कैरेक्टर यही एक्टिंग, अगर डायरेक्शन भी किसी और का होता नहीं इससे बेटर। एग्जैक्टली हाँ हो गया। हाय कार, हाय बोल कार को, हाय मेरे को इस साइड आना पड़ता है क्योंकि मेरी तरफ लाइट बंद है। एनीवेज गाइस तो हम लोग जाने वाले थे एक बार के रेस्टोरेंट में, क्योंकि थोड़ा डाइट फॉलो करना है तो मैंने सोचा कुछ सूप या कुछ लाइट सा हेल्दी कुछ खाने के लिए जाने का, बट मॉम को कॉल किया, मॉम ने बोला मैंने तेरे लिए सूप पालक का सूप और बेसन के चिल्ले बनाए हैं। बेसन के हाँ पता नहीं किसी के चिल्ले बनाए हैं, तो अंकिता ने बोला यू टर्न मार बाहर नहीं खाने का, घर पे मम्मी ने बनाया डाटा मेरे को, तो मैंने बोला ठीक है डांट मत पहले पूछ ले, मैं मना करूँ तो डांट तो हम वापिस यू टर्न मार के घर जा रहे हैं। तो घर जाने से पहले हमको छाछ लेनी है, छाछ ले जाना है, दही ले जाना है, दही बोला हाँ, दही छाछ और स्प्राउट, आजकल मम्मी घर पे दही बनाती है इसलिए नहीं घर बोला मत, ठीक है छाछ और दही स्प्राउट। एंड एज यूजुअल रोज का एक मेडिकल का राउंड हमारा बनता ही है ना,